गाइस, स्वागत है आप सभी का आज किस न्यू ब्लॉग में। और मैं पिछले 4-5 दिन से ब्लॉग नहीं बना पा रहा था क्योंकि कुछ पर्सनल काम होने की वजह से नहीं बना पाता हूँ। थोड़ा काम की वजह से प्रेशर रहता है थोड़ा बहुत। तो अभी मैं हूँ साइड पर, गाड़ी के साथ आ गया था मैं। कुंभलगढ़ तहसील के अंदर हूँ, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के अंदर। तो कुंभलगढ़ मतलब तहसील के अंदर एक पंचायत है, सुकार पंचायत। एक रात को एक पॉइंट खो दिया, हेडपम्प खो दिया था हमने। और सेकंड हैंडपम्प पर गाड़ी चल जा रही है अभी, पहाड़ के बीचों बीच ले गई गाड़ी। बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है, तो लगभग पहाड़ से नीचे नीचे की ज़मीन की दूरी लगभग लगभग अंदाज से 400-500 फीट होगी। तो चलिए देखते हैं, अभी रास्ता भी आपको दिखाता हूँ और कैसे क्या गाड़ी चढ़ेगी वो भी देखते हैं। चलिए ये देखिए गाइस, उस मंगरे पे गाड़ी चढ़ेगा। ये वो रास्ता है, रात को इस रास्ते से पलट करके आए थे। ये जा रहा है गाड़ी, गाड़ी ये टर्न ले रहा है, पहाड़ के रास्ते के ऊपर चढ़ेगा गाड़ी ऊपर। तो ये रास्ता है, गाइस गाड़ी पहाड़ रास्ते के ऊपर चढ़ चुका है। गाड़ी आ चुका उधर, इस पहाड़ के अंदर और ये रहा बरगद का पेड़ जो कि 10-12 बीघा में फैला हुआ है। राजस्थान में ठंडा बहुत ज्यादा लगता है, सही बात है। मतलब ये एरिया में कुंभलगढ़ में ठंडी ज़्यादा है। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इधर? हाँ बताइए। जैसे जंगली गेंडा दिख रहे हैं सर जी। अच्छा, कैमरा को उधर घुमाइए थोड़ा। हाँ जी, तो काला काला दिख रहा है। अच्छा, दौड़ा दौड़ा नहीं है? दौड़ा दौड़ा नहीं है सर। और घाटी तो बहुत बड़ा था। अच्छा हाँ जी। अच्छा हाँ जी सर, ठीक सर। देखिए गाइस, इस प्रकार का व्यू ऊपर से, और ये खतरनाक रास्ता है, बहुत ही खतरनाक, ज़्यादा खतरनाक रास्ता है। ऊपर देखिए वो बंदर उछल कूद कर रहे हैं, मोटी मोटी है डर। पहुँच गए सिलेंडर लेने के लिए तो दुकान पर। अभी ये दोस्त पंडा जी सामान ले रहा है, समोसे वाले बैठे खड़ा हूँ। वो समोसे पड़े हुए अंदर छोटे छोटे। ये देखिए गाइस, इसके दो समोसे दे रहे हैं गाइस, कुरकुरे समोसे। एक थे एक दोनों जो गाड़ी आ रहा है। नसीब है लोग आप लोग, तो काम है जहाँ पे कर रहा है जी। तो आप लोग खुद वालों का मैं मानो फर्ज बने, आपको फर्ज बन जो आप लगा रहे। वो देखिए गाय, गाड़ी चालू हो चुका है, वो नगर से कर रहे हैं वहाँ पे।
पहाड़ है और ये देखिए कह रहा हूँ फोन कंप्लीट हो चुका है और गाड़ी रवाना हो रही है भाई यहाँ से। है गाइस, गाड़ी को प्रॉब्लम आ रही थी गियर की, वो तो सोलो हो गई है। ऑयल वगैरह डाला है, थोड़ा बहुत ऑयल कम था उसमें, तो गाड़ी बहुत सेट हो गई, चालू भी हो गई है। और अभी मैं बैठा हूँ पंचायत के सामने, वो कपड़े नहाया धोया था, कपड़े सुखा रखे थे, स्वेटर भी धो दिया था, स्वेटर तो सूख रहा है और सूख जाओ तो जल्दी से पहले एकदम सर्दी लगने के लगने लग गई है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। और ये देखते हैं कैसे क्या रहता है। देखिए आपको ये पंचायत दिखाता हूँ, और ये पंचायत और ऊपर रहा वो पहाड़। ये कुछ इस प्रकार का व्यू है यहाँ पे। गाड़ी उधर सामने बरगद के पेड़ के आगे लगी हुई है, देखिए पूरा पहाड़ी इलाका ही है। देखिए पीछे पहाड़ है, देखिए ये पानी की टंकी बनी हुई है यहाँ पे।